हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो पुनीत व्लॉग्स। तो आज जैसे कि एक तारीख है, तो सबको एक तारीख की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि अभी तो अंधेरा ही हो रहा है, आप सोच रहे हो, ये देखो, आप सोच रहे हो अंधेरे में शूट कर रहा हूँ, लग रहा है मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, ऐसा नहीं है यार। अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ, मैं तो खाली मुँह धोया है। और आज से तुम्हारा भाई कर रहा है जिम स्टार्ट। गाइस, मैंने अपने दोस्त को बोल दिया था, साहिल भाई को, कि साहिल भाई सुबह मेरे को भी फ़ोन कर देना जिम के लिए। तो भाई साहब, वो तो फ़ोन पे फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं भाई, जैसे तैसे करके एक बार ही उठ गया। अभी रुको गाइस, रोशनी में जाता हूँ पहले। तो गाइस, वो तो भाई फ़ोन पे फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई एक बार ही तो मैं उठ गया, मैंने कहा चल यार उठ के चलते। जैसे ही मैं गैलरी में आया, ऐसा बहुत ठंड लगी, मैं तो वापस कंबल में घुस गया। फिर दोबारा फ़ोन आने स्टार्ट हो गया, भाई आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा चलो भाई आ रहा हूँ। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत करी आज आने की, फिर मैं रेडी हुआ, मैंने ट्रैक अपना पहना, शूज़ वगैरह वेयर करे। मैंने कहा चलो भाई आ रहा हूँ, अब साहिल भाई लेने आ रहे हैं। और मोंटू भी कह रहा है भाई मैं भी आ रहा हूँ, तो मोंटू भी आ रहा है, वो भी हो गया तैयार। अब बस साहिल भाई का बेटा है, साहिल भाई आ जाए फिर चलते हैं आज जिम, आपको जिम दिखाते हैं। तो गाइस, जब तक साहिल भाई आते तब तक हम थोड़े हाथ से लेते हैं। गाइस देख रहे हो, पूरा अंधेरा, अभी तो 5:30 ही बज रहे हैं, और तब तक हाथ से ले रहे, ठंड लग रही है। तो गाइस, साहिल भाई आ गए। तो तैयार हो क्या ला भाई? फाइनली जिम आ गए, ये अपनी जिम। बस ये बस भाई, साइड वाइज तगड़ा होना है, साइड वाइज का 140-150 किलो वेट था, साइड वाइज का मोटा किंग जोन था, किंग कमजोर हो गया, किंग जोन। ए गाइस, तो मैं जिम से आ गया, और जिम से आते ही मेरे लिए काम भी है। मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी पूरा घर धो रखा है। अब पानी मेरे को सूतना पड़ेगा, ये पूरा ये सब गीला कर रखा है, ये सब मेरे को धोना पड़ेगा अब, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं करने नहीं दूँगा अब। तो मम्मी को फ़ायदा हो गया, अब काम मेरे को करना पड़ेगा। यार ये रोज के रोज क्यों धोते हो तुम? देखो हाथ में दर्द हो रहा, फिर भी खाने के लिए क्या? खाने के लिए बनाया प्याज के पराठे। तो गाइस, ये क्या चीज है, घी निकाला है क्या? बहुत बढ़िया, होएगा ये हाथ में दर्द। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो गाइस, ये आ गया मेरा ब्रेकफास्ट, और सारे घर का काम कर दिया, और हमने चला रखा था टीवी, मम्मी यहाँ बैठ के गाने सुन रही थी ये। तो गाइस, सारे घर का काम मैंने करा, मैंने अकेले ने, मेरी मम्मी कुछ नहीं करती है ना। कान पे पड़ेगा ये खींच के, पंखा के चल गया। गाइस देखो, सारा मैंने करा है, सारा। बस मम्मी ने मेरे को ब्रेकफास्ट बना के दिए पराठे। थैंक यू। हे गाइस, तो आज हमारे भाई की शादी है, तो हम आए हुए थे, तो यहाँ लग रहा था बहुत तगड़ा ट्रैफिक है, मुंटू गए ट्रैफिक क्लियर करवाने, इसकी कोई बस की है नहीं। डायलॉग है, गाड़ी में धुला है। डायलॉग मार रहा हूँ जनाब, गाड़ी में धुला हुआ है, जल्दी हटाओ जल्दी हटाओ, ये बाहर है भाई बैठे हुए। ये तो एक बहाना है अंकल, पीछे ले लो। ये अंकल हटने का नाम ही ना ले रहे भैया। अंकल तुम पीछे ले लो, तुमने फंसा रखा सबको। ये देख जादू को छोटा भी भाई चढ़ा रहे बरात पे।
हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस कल हम गए थे शादी में, तो आप लोगों ने शादी तो देखी होगी, मज़ा आ गया था। फिर हम वहाँ से आए लेट, तो ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाए, वहाँ से लेट आए, फिर 1 बजे करीब आए थे। फिर हम आके मैं तो सो ही गया यार, मेरे को तो नींद आ रही थी। मैं तो अब उठाऊँ 11:30 बजे सो के, फिर मम्मी ने मेरे को ब्रेकफास्ट दिया, अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। उसके बाद कल है दीदी का बर्थडे, तो आज शायद दीदी के घर भी जाना पड़ेगा। तो अब फटाफट से मैं तो दीदी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाया, तो सोच रहा हूँ मैं दीदी को क्या गिफ्ट दूँ। तो बस दीदी के लिए गिफ्ट लेने जाऊँगा कुछ अच्छा सा, क्या लूँ यार को समझ नहीं आ रहा वैसे तो, फिर भी देखता हूँ क्या लूँ। शायद दीदी को वॉच पसंद है, वॉच लेकर आऊँ, तो जो भी लाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, और मिलते हैं थोड़ी देर। ये गाइस तो मैं नहा के हो गया रेडी, अब जाएंगे हम कमला नगर दीदी के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेने। वैसे गिफ्ट वगैरह तो हम ले ही आए थे, ये रखे हैं हमारे गिफ्ट्स टोकरी, और ये वाला गिफ्ट मेरा है, ये वाला है ना, और ये मम्मी हो रही है तैयार। मम्मी आप भी जाओगे क्या? आप जाके क्या करोगे? घर रहो, मेरे बेटे का बर्थडे है, ठंड हो रही है, घर रहो। चले जाओगे मेरे बिना? रास्ता पता है बताइए कहाँ से? कहा कैब करने आती इधर को? कैसे करते कैब बताना, कैसे करते कैब? अरे नहीं ना, तू बता यार कैसे करते कैब? फोन करके करते है आप? ऑटो तो कर लेंगे हम। ऑटो कहाँ से होता है? यहाँ से होगा। कितने का होता है? 300-350। जाओ गाइस, इनको कहीं का रास्ता भी नहीं पता। और गाइस कल मैंने अपने कैमरे में करी थी सेटिंग, तो बताना जरा व्लॉग कैसा बन रहा है। और ये हमारा घर, ये कृष्ण जी जब से आए तब से ऐसी है, हिले नहीं बिल्कुल भी, ना थोड़ा सा इधर हुए ना थोड़ा सा इधर, और ना इनकी बांसुरी बजी। और ये इनको तो आप जानते होंगे, पुनीत मल्होत्रा। और गाइस देखो ये 2015 की फ़ोटो है, उसमें ना मैं नहीं था, मैं बिजी था, तो ये मेरी फ़ोटो एडजस्ट करी है, देखा ना कैसी अजीब सी आ रही है। और ये देखो सुकू पतली। और ये चलना, ये है मेरी सेटिंग। हाँ और गाइस हम एक इसको इसका पिल्ले को यहाँ बिठाए थे, और हम एक गिफ्ट और लाए हैं, ये मैं लेकर आया हूँ। झूठा कितना सुनती यार तू। देखो गाइस, ओ मम्मी का फोन, अभी गाइस मम्मी का फोन टूट जाता। गाइस ये देखो मैं लेकर आया हूँ ये 3, कोई बात नहीं हाथ मत जोड़। चल चल चल, है 1200 रुपए का। अरे जा झूठे, इससे महंगाई है। 1200 रुपए का लाया हूँ मैं डिस्काउंट में। मम्मी का तो 1200 से महंगा है। और गाइस ये देखो ये हमारी शादी में वो बजेगी बीन, और ये नशेड़ी, और ये लड़का मैं हूँ मलुक्सा, और ये चुड़ैल। घर को बंद दिखा दे, मेरे को दिलाएगी शर्ट, फिर मैं नहीं जा रहा कम चल, चल निकल जा फिर, रास्ता पता नहीं मम्मी इसको। गाइस देखो हमने एक लाश छुपा रखी अपने घर में, ये देखो ये रही वो लाश, ये देखो हमारी अलमारी। गाइस देखो अपने कैसे भर रखी है, भाई साहब चोर है ये, चोर ये बसों में पर्स मारती है लोगों के, बसों में पर्स मारती है। देखो गाइस बसों में पर्स मारती है, देखो एक पर्स ये रहा, एक पर्स ये रहा, और एक पर्स ये रहा, और एक पर्स और था का, एक ये रहा 5 का रखे। हाँ तो गाइस बसों में पर्स मारती है, और फिर उनको भेज देती है सस्ते दामों में, देखा। तो गाइस चलो इस वाले ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड, अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो इस वाले ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन तो दबा देना जिससे रोज रोज ब्लॉग आपको देखने को मिले। और बस आज या कल में ना एक बहुत ज़बरदस्त प्रैंक ब्लॉग आने वाला है, प्रैंक ब्लॉग या कुछ भी बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएगा, तो देखना मत भूलना। बाय बाय।